नमस्ते दोस्तों, मेरा बिजनेस देसी किचन पर आपको बहुत स्वागत है। दोस्तों फिर आ गए अब सबका पास एक नए तरीका का चूल्हा लेके। देखिए दोस्तों, आज ना हम ई टीना का चूल्हा बनाने वाले हैं। तो दोस्तों हमने देखिए दो गो टीना ले लिए, तो दो टीना में से एक टीना का चूल्हा बनाएंगे दोस्तों। और एक टीना का जो है ना ये वाला हम ले लेंगे, इसका हमको जरूरत है। और दोस्तों जानते हैं आज का जो हम चूल्हा बनाने जा रहे हैं बहुत आसान तरीका में बनाएंगे। और ये चूल्हा में जो है ना तीन चीज से आप खाना इसमें बना सकते हैं, एक घूल से, एक कोयला से, और एक छोटा छोटा जो जलानी होता है ना टुकड़ा टुकड़ा जो काटते हैं उसको गिरा गिरा कर इसमें खाना बनाइएगा। बहुत आसान तरीका में ये खाना बनेगा, बहुत कम खर्चा में भी बनेगा जलानी का खर्चा से। तो दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। चूल्हा बनाने के पहले ना दोस्तों इसको हम काट लेंगे। एक काट लिए दोस्तों, एक और काटेंगे। टीना में से काट लिए, तो इसको भी जरूरत है दोनों। तो ये टीना में से देखिए इसको भी हमने काट कर ले लिए। और दोस्तों ये जो एक टीना बच रहे ना, तो ये टीना का हम बहुत अच्छा सा, बहुत अच्छा कुछ आपको नया बनाकर कुछ दिखाएंगे दूसरा वीडियो पर। तो इसको साइड कर देते हैं, अब इसको बनाएंगे। जो घर में हमने काटे है ना टीना को, वहाँ पर बहुत धूप आ गई है इसीलिए हम जगह बदल लिए। देखिए यहाँ आ गए। तो दोस्तों देखिए ये टीना को जो हमने काटा है ना, ये साइड साइड में जो है ना ये बहुत धार है, हाथ काट जाने का डर है। तो इसको ना चूल्हा बनाने के पहले इसको मोड़ देंगे हम। अब यहाँ पर देखिए हमने एक नुक बना लेंगे, जैसे देखिए ये कलर है ना, ये कलर के माप से कुछ देखिए यहाँ तक हम काट लेंगे। अब ये टीना का ना मुंह काट लेंगे, देखिएगा देखिए ऐसे करके एक दाग दे देंगे। ऐसे एक दाग दे के काट लेंगे। तो इसको अंदर में ना ईटा देंगे, नहीं तो काटने में नहीं सुविधा होगा। यहाँ पर देखिए हमने दाग दिए, यहाँ दाग में से नहीं लेंगे, थोड़ा इधर हट कर लेंगे। देखिए I'm not afraid to die.
दाग दे दिया था ना, और इतना टीना छोड़ दिए, इसको ना थोड़ा सा और काट लेंगे, काट के इसके अंदर में मोड़ देंगे। मोड़ देंगे यही कारण इसके ऊपर में जो मिट्टी लगाइएगा ना, तो इसका ऊपर में वो मिट्टी रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। अब देखिए, देखा दे दोस्तों, निकाल लेंगे ईटा सब। देखिए इसको इधर मोड़ जो दिए ना, इसका ऊपर से जो मिट्टी जाएगा तो इसके ऊपर में वो मिट्टी का भार रहेगा, नहीं गिरेगा मिट्टी नीचे में। तो दोस्तों आप इसमें मिट्टी लगाएंगे। और दोस्तों ये जो रखा है ना, इसको भी थोड़ा इसे काट लेते हैं। देखिए ऐसे करके ये भी काम में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने दोनों ढकना में से, देखिए ये में से काट लिए, देख रहा है, ये भी बहुत काम का चीज है। आपको बताया था ना जो ये काम का चीज है, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। जैसे देखिए ये मापी का यहाँ पर हमने काट लेंगे। देखिए ये दोनों जो हमने काटा है ना इधर साइड में टीना का, तो इसी के ना रखने वाले, देखिए इसको लगा देंगे। देखिए एक इधर लगा देंगे, हुआ ना। ये चूल्हा को ना पकड़ कर ऐसे उठा कर कहीं भी ले जाके खाना बना सकते, बनाए ना दोस्तों, बहुत अच्छा। देखिए ये टीना को जो हमने ये सब काटा है ना, देखिए दोस्तों इसको ना नहीं फेंकेंगे, इसको देखिए हमने ये टीना का अंदर में रखेंगे ना, तो ये टीना और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। देखिए इसका अंदर में रख दिए। तो दोस्तों ये चूल्हा का ना टीना का पूरा रेडी कर लिए, आप इसमें मिट्टी लगाएंगे। आ देखिए ये मिट्टी लगाएंगे तो ये छड़ भी है, छड़ सब भी इसमें डालेंगे, चूल्हा बहुत अच्छा बनाएंगे हम। देखिए दोस्तों हमने, देखिए मिट्टी तो लगा दिए, अब इसमें छड़ लगाएंगे। देखिए हमने छड़ तो लगा दिया, अब इसका ऊपर से मिट्टी देंगे। Thank you.
पहिया बना देंगे उचकुल चूल्हा का। दोस्तों आपको ना पूरा एक बार रेडी करके दिखा देंगे, बहुत तेज बारिश आ गई है। देखिए दोस्तों हमने बताया था ना ये चूल्हा रेडी करके आपको दिखाएंगे, तो देखिए दोस्तों मेरा ये चूल्हा बन के रेडी हो गया है। ये देखिए ये पकड़ने वाला है, देखिए पकड़ कर इसको कहूँ भी ले जाके खाना बना सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको ना सुखाना पड़ेगा धूप में, सूख जाएगा तो उसी के बाद खाना इसमें बन सकेगा। तो मेरा ये टीना का चूल्हा बन के रेडी हो गया है। आपको अच्छा लगे होगा तो एक कमेंट करिएगा। और दोस्तों आपको ना हम बताया था ना ये टीना का कुछ नया तरीका में बना कर दिखाने वाले हैं, तो बना कर दिखाएंगे, दूसर वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो ना और भी नया नया तरीका का चूल्हा बना कर वीडियो डाले, आपको अगर अच्छा लगे होगा तो देख भी सकते। तो आज का वीडियो इतने भर रहेगा दोस्तों। टाटा बाय बाय, मिल रहे दूसर वीडियो के साथ।